गरीब लोग वोट देके इम्तियाज जलील साहब को ला सकते, ऐसा हम नहीं वोट देके उनको गिरा भी सकते, क्यों तो हम गरीबों की मांग उन्होंने अभी तक कोई पूरी नहीं करे। उनको लाके आज जब वोट लेने आते तो बहुत मिन्नत जारी करते हो, उनके आदमी आके हाथ जोड़ जोड़ के वोट दो बोलते, और वोट दे दिए तो फिर पुरसाने हाल नहीं रहते। तो जैसा हम गरीब लोग वोट देके उनको ला सकते, ऐसा हम नहीं देके उनको गिरा भी सकते। इतनी ताकत हम गरीबों में है, ये हमारा हक है जो हम उनसे मांग रहे, लेकिन वो नहीं दे सकते तो हम उनका उनसे हमारा हक छीन भी सकते। हमारी गली में रोड नहीं है, नल नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, लाइट नहीं है। इम्तियाज जलील साहब से ये बोलना है कि आपने मेरे 5 साल पहले गली देख के गए, माप के गए, 5 साल के बाद आपने शक्ल भी नहीं बताई, ये गली नहीं देखे। अब रमज़ान लग रहे, अगले महीने में गरीब बच्चे कमा के रमज़ान में रोज़े खोलेंगे कि पानी लेंगे, कम अज़ कम पानी की सुविधा तो होना। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से पुलिस कॉलोनी में, और पुलिस कॉलोनी की आम जनता हमारे साथ है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, इस पुलिस कॉलोनी की क्या समस्या है। मेरा नाम सैयद हिदायत बिल्डर, समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ, और मैं सरकार और इम्तियाज जलील साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे वार्ड के अंदर जो आपने ये पार्टी लगा के रखे यहाँ पे, आज 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने गवर्नमेंट को कभी आके रोडों पे देखे नहीं, नलों की परेशानी यहाँ पे, अब रमज़ान लगने वाले 4 महीने के बाद में, ये 2-3 महीने में इतनी पानी की परेशानी हो रही यहाँ के लोगों को, अब रमज़ान में कैसा करना। और दूसरी बात कि जो G20 आ रहा, G20 के वास्ते 80 से 90 करोड़ रुपये जो गवर्नमेंट ने जो है तो औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए दिए, तो ये लोगों ने जो भी काम कर रहे, तो ये कहाँ काम कर रहे, ये पूरे बाहर औरंगाबाद शहर को जो है तो बाहर से लिप्पा छुपी के काम कर रहे, बस उसको कलर कर रहे हैं और उसके बाहर के रोड चौड़े कर रहे हैं, हरसूल में अतिक्रमण कर रहे हैं और बाकी काफ़ी जगह पर जो है अतिक्रमण करके रोड चौड़े कर रहे। क्यों कर रहे ये, क्यों कर रहे रोड, क्योंकि जो है तो G20 जो है तो ये अंदर के गलियों में और ये अंदर के एरियो में नहीं आने वाली है, बाहर से दौरा करने वाले, तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए जो है तो ये बाहर के साइड से जो है तो कलर और रोड बना के उसको दिखा रहे। और यहाँ की जनता ने क्या करे, यहाँ की जनता जो है तो आम जनता जो है तो इतनी परेशानी हो रही इनको, रोड बन रही नहीं, कुछ नहीं, परेशानी एकदम, और इतना सारा 80-90 करोड़ रुपए आ रहा, अरे नई सीमेंट कॉन्क्रीट करोड़ तो, नई डामर करोड़ तो, कम से कम सीधा एकदम लेवल तो करो, भर्ती तो डाल के दो हमारे को। इम्तियाज जलील साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो है तो यहाँ पे आके एक बार झाँको। आप 5 साल MLA बन के बैठे, 5 साल MP बन के बैठे, लेकिन आज तक के तुमने हमारे वार्ड के अंदर कभी कुछ करे नहीं करे, आके झाके नहीं झाके। आज हम और हमारी सारी जनता आपके ऑफिस पे कम से कम 15 से 20 बार आके गए। इससे पहले भी हमने MCN न्यूज़ के ऊपर जो है तो ये पुलिस कॉलोनी है जहांगीर कॉलोनी के वास्ते हमने आपके पास में भी आके गए थे और न्यूज़ लगाए थे, लेकिन क्या इसका कोई सिला नहीं मिल रहा। तो ये जनता ने क्या करना, अब ये जनता जो है तो अब धरने आंदोलन पे उतरना, के भूख हड़ताल पे बैठना, के अब रमज़ान के अंदर हमारे भूखे प्यासे, ईद त्यौहार का मामला रहता है, ईद त्यौहार के अंदर का भूखे मरना के हमारे बाल बच्चों ने, अरे पानी पीने की परेशानी हो रही हमारे को पानी से, अब ये दुकाला इतना कड़क लग रहा कि जो 20 रुपये का 30 रुपये का जो बाटला आता था वो भी 40-50 रुपये में हो जाएगा, और वो भी पैसे दे के भी हमारे घरों तक के नल का पानी नहीं आ रहा। अरे जो बीमारियां, इतनी बीमारियां फैल जा रही यहाँ पे, इतने परेशानी हो जा रही है, और ये रोड के तरफ आप कैमरा मार के देखेंगे ना, इम्तियाज जलील साहब और ये G20 और ये हमारी मोदी सरकार, इन सबको मैं एक ही वार्निंग देता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी गरीब जनता के तरफ भी ध्यान दो। हमारी गरीब जनता जो है तो आज जब तक खामोश बैठी तो जब तक के बस अच्छी लगती, और जब जनता आवाज़ खोलती ना तो फिर गांधी जी के रास्ते पे उतर गए तो फिर अच्छों अच्छों को सीधा कर डालते। ये मैं सरकार से जो है तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रोडों का काम जल्द से जल्द किया जाए, या ड्रेनेज लाइन की जल्द से जल्द सुविधा किया जाए, या लाइट के खंभे जल्द से जल्द पोल खोल दिया जाए। यहाँ पे जो तो कीड़े मकोड़े नहीं रह रहे, यहाँ पे इंसान रह रहे, यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं रह रहे, यहाँ पे इंसाना रह रहे, और इंसानों की तरफ भी देखो, यही इंसानों के एक वोट से जो है तो सरकार बनती भी और सरकार गिरती भी। आपको ये अंदर के लोगों से अभी 5 साल इलेक्शन नहीं है बोल के आपको कुछ फायदा नहीं है बोल के आप लोगों का कुछ काम नहीं करके दे रहे हो, अभी आपका इलेक्शन आएगा ना तो जब बराबर आप आएंगे यहाँ पे कि साहब हमारे को ये करा के, ये हम ऐसा करके देंगे, हम ये नल की टाकी बना के दे देंगे, खंबे डाल के दे देंगे, रोड बना के दे देंगे, लेकिन कभी आए क्यों नहीं आप। मकान भूमि है, दोनों तरफ मकान भूमि है, और प्रदीप जायसवाल साहब ने और यहाँ के प्रशासन ने ये रोड सेंक्शन कर चुके हैं और इसका वर्क ऑर्डर भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक के काम चालू नहीं हुआ इसका। लिहाजा हम आप लोगों से अनुरोध करते, विनती करते हैं कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जो है तो यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं थी, आधी पाइपलाइन डाल चुके हैं यहाँ पे और आधा काम छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ से। हम उनसे भी ये भी अनुरोध करते हैं
कि यहाँ का जो पानी, पीने के पानी की समस्या जो थी, तो आधा पानी की पाइपलाइन डाले तो उसको पूरा काम किए पूरा किया जाए। आधी पानी की पाइपलाइन किसने डाला? आधी पाइपलाइन यहाँ के जो ठेकेदार है उनका तो पता नहीं, लेकिन वो सेंशन करे कि 2024 में हर घर जल बोल के ये योजना के तहत डाले गया। अभी तक पानी की मेन रोड पे तो नहीं डाला गया, लेकिन पीछे के साइड में समझो आप जहांगीर कॉलोनी के नदी साइड में डाले उन्होंने, तो इधर मेन रोड पे नहीं आया। अभी ड्रेनेज लाइन भी पूरी काम नहीं हुई और जो है तो लाइट की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अभी हमारी मांग है, ये जो वर्क ऑर्डर निकला हुआ है अभी सख्त वर्क ऑर्डर निकल चुका है इसका, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इसका काम पूरा किया जाए, नहीं तो हम धरना आंदोलन पे ऐसा बैठेंगे कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तो हम उठेंगे नहीं वहाँ से। हमको आने को 18 साल हो गए, अभी तक बनी नहीं रोड, ना हमारी गली बनी, देख देख के जाते हैं खाली। खाली आपके गली का मसला नहीं है, पूरी पुलिस कॉलोनी का मसला, पुलिस कॉलोनी का मसला है। लेकिन ये रोड पे पानी जमता है तो हमको बारिश पानी में बुड्ढे इंसान है, निकलने को परेशानी। पुलिस कॉलोनी का डेवलपमेंट कितने साल से रुका हुआ है? ये 15 साल तो हो गए हमारे को देखते देखते, थोड़ा बहुत हुआ बाकी रुक गया। अब कौन करे ये हमको मालूम नहीं। बार गली का मसला आप देखो चल के कैसा है, पहले शुरू से देख लो कितना बेहाल है, लाइट नहीं है और पूरे 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 एरिया का, गली के अलावा पूरी पुलिस कॉलोनी का मसला है, पूरी पानी पुलिस का। हाँ सही, अब ये होना हमारे को रास्ता पानी पानी का, बस पानी का मसला। देखिए यहाँ पे ना पानी है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना रोड है। अब आके 2-4-5 साल हो गए, इससे पहले 30 साल से भी लोग आ रह रहे, तो यही परेशानियाँ है। रमजान में परेशानी, धुपकाले में परेशानी, पानी बरसात में परेशानी है, हर इसमें परेशानी। अब फिर रोटा मांगने तो बराबर आए, ये दे हमको ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं हुआ काम, नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। मसला तो हमारा सबसे बड़ा मसला है रोड का है, क्योंकि हम लोग को गाड़ी लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती, क्योंकि मेंटेनेंस इतना आया था इसका, हर साल में बेरिंग डालना पड़ते है गाड़ी के, हर महीने में 8 दिन में 15 दिन में रोज मेंटेनेंस लगाना पड़ता है। हमने यहाँ 3 साल से हमने फाइल डाल के बैठी हुई, हमारा कोटेशन पास हुआ है, लेकिन ना रोड बना है ना ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है। बाहर G20 के वजह से पूरा रोड बन रहा है, हर जगह पेंटिंग हो रही है, लेकिन ये हमारे पुलिस कॉलोनी जागीर कॉलोनी के अंदर क्यों नहीं डिमांड हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम इंतजार जली साहब के पास भी, ये उन्होंने किया था, ओपनिंग किया था, सब करा था, बोले जयसवाल, प्रदीप जयसवाल साहब भी आके गए यहाँ पर, भाई मुद्दा अभी 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी देख के गए, लेकिन किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, उनका पैर बिसर रहा है, डेड बॉडी लिच्छे लटक रही, कितना बुरा हाल होता है, ये हम लोग की परेशानी है। ये आप इम्तियाज जली साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, बस इतना ही, हमारा रोड का मुद्दा सॉल्व करे और पानी का मसला सॉल्व करे। आज 30 साल से रह रहा मैं इधर, इधर पानी है ना कुछ है, ये यहाँ जहांगीर बने 30 साल से बसा ये एरिया को, लेकिन जो भी नगर सेवक आता थोड़ा बहुत लीप छाप करता अपना भाग जाता। अब इम्तियाज साहब ने भी 10 साल निकाले इधर, एक दो बार आए अपने, एक दो बार पार्टी करे निकल गए, रोड का डाले, इतना बड़ा रोड है ये, आज मोहता लोग आते परेशान होते, मौत मट्टी के लिए हम परेशान है इधर। पानी का मसला, ड्रेनेज लाइन का मसला हमारा होना चाहिए। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे पुलिस कॉलोनी की आम जनता से यहाँ पे बात की है, और यहाँ की आम जनता काफ़ी तकलीफ के अंदर 20 साल से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही है, ना ही यहाँ पे रोड्स है, ना ही यहाँ पे चैम्बर लाइन है, और ना ही यहाँ पे पीने की पानी की लाइन है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।